गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने आया हूँ। आप सब जानते हैं कि लगातार सरकार जब नौकरी की नियमावली को फाइनल कर रही है, यानी कि हजारों पदों पर जो बहाली आनी है स्वास्थ्य विभाग में, और उन पदों से रिलेटेड जब नियमावली को फाइनल कर रही है सरकार, तो कई छात्रों के मन में यह भी संशय है कि हम लोग एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। इसमें 60% मार्क्स का ही एग्ज़ाम होगा, 25 मार्क्स जो है सो एक्सपीरियंस का रहेगा, या फिर 15 मार्क्स जो है सो हायर डिग्री का कैलकुलेट होगा। तो ऐसे में कई लोगों के मन में यह संशय है कि हमारा जॉब नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और खास करके जो फ्रेशर्स हैं, जो नए लोग हैं जिनके पास अभी हायर डिग्री नहीं है या उनके पास कोई गवर्नमेंट कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे साथियों के लिए मेरा कहना है, और एकदम मैं कोई झूठ नहीं, एकदम सर्टिफाइड बात बता रहा हूँ, जो विभाग से है एकदम सर्टिफाइड है, प्रमाणित है, इसमें एक्सपीरियंस वही काउंट होगा जो एक्सपीरियंस राज्य सरकार के अस्पतालों में लोगों ने काम किया है और उनके पास एक्सपीरियंस है उसका। अगर किसी जिले में काम किए हैं तो सिविल सर्जन के द्वारा दिया गया एक्सपीरियंस, या किसी मेडिकल कॉलेज में काम किए हैं तो वहाँ के अधीक्षक के द्वारा दिया गया एक्सपीरियंस, ये वैलिड होगा। आउटसोर्स कंपनियों या अदर किसी भी तरह के नियुक्त लोगों का एक्सपीरियंस वैलिड नहीं होगा। मेनली राज्य सरकार के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा। बहुत लोग कहते हैं, बहुत सारे नए साथी कहते हैं कि उनको फ्रेशर्स हैं तो उनको मौका कम मिलेगा, उनको 60 अंक का जो एग्जाम होगा उसका क्या है। तो मैं उन सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, लेकिन उसका वैल्यूएशन जो है सो 60 मार्क्स ही रहेगा। जितना उस 100 मार्क्स के एग्जाम में जितनी परसेंटेज आपको नंबर आएगी उसको आप 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना परसेंटेज होगा, यानी कि वही 60% उसका वैल्यूएशन हुआ। और इसी वजह से कई साथियों को लगता है कि मतलब सीनियर्स लोगों का जॉब होगा, जो जॉब में है पहले से उनका होगा। तो मैं आप सबको बता दूं कि राज्य में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली बहुत कम हुई है जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पर हुई हो, आउटसोर्स के तहत बहाली होती रही है। तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पर सरकार के द्वारा बहुत कम बहालियां हुई है और बहुत कम लोग हैं ऐसे, और जो रिक्तियां हैं वो हजारों में है। किसी को हम ऐसा ना हो कि सीटें खाली रह जाए, इसीलिए किसी भी तरह के मन में जो संशय है उस संशय को दूर करिए। जो नियुक्ति नियमावली फाइनल हो रही है उस पर अब विज्ञापन की प्रोसेस होगी, विज्ञापन आएगा उसके बाद अगला प्रोसेस होगा। इसीलिए, और मैं पारा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार के अध्यक्ष होने के नाते अपनी पूरी टीम के साथ लगातार स्वास्थ्य विभाग के विभागीय पदाधिकारी हो, मंत्री जी हो, सभी लोगों से संपर्क में हैं, और राज्य के प्रशिक्षित पारा मेडिकल छात्रों के हितों का ध्यान रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। किन्हीं को भी किसी तरह की दिक्कतें हम लोग नहीं आने देंगे, क्योंकि हक अधिकार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ये मैं हमेशा कहता रहा हूं। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हक अधिकार की लड़ाई में हम लोग हमेशा पूरी ईमानदारी के साथ, तत्परता के साथ आवाज को आगे बढ़ाएंगे। और जो भी लोग योग्य हैं उनको मौका मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें।
मैं एक्सपीरियंस को लेकर के मेनली यह बातें कही है, क्योंकि कई लोगों के मन में, कई साथियों के मन में इस बात को लेकर के संशय था। बाकी जो भी आपके मन में सवाल हो वह कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।